मुरादाबाद जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों में टीकाकरण कैंप के माध्यम से सभी बच्चों को प्रथम डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों का टीकाकरण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 1,41,000 से अधिक बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। अब ऐसे में दूसरी डोज लगवाने के लिए भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मुरादाबाद के डिप्टीगंज स्थित कौशल्या कन्वेंट कॉलेज में 598 छात्राओं में 450 छात्राओं का अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बाकी बची छात्राओं का वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द किया जा सके। विद्यालय के प्रधानाचार्य मधु गुप्ता ने बताया कि हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाए, जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। सभी अभिभावकों को भी जागरूक किया जा रहा है और ये संदेश दिए जा रहे हैं कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं। हमारे विद्यालय में 80% कार्य हो चुका है, 20% कार्य बचा है। उम्मीद है कि इस सप्ताह में ये कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराने का काम अवश्य करें। विद्यालय में इस समय वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, क्योंकि गत समय में हमारा विद्यालय और भी सभी लोग COVID-19 की विभीषिका से गुजरे हैं। उससे बचने के लिए छात्राओं को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनका भी, और द्वितीय डोज लगने के लिए हमारे यहाँ 598 छात्राएँ पात्र थीं, जिनमें से आज लगभग 450 का लक्ष्य पूरा हो गया है, बाकी भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। छात्राओं को जागरूक करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने से उनका भविष्य सुरक्षित है और वो आने वाले समय में इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगी।